हेलो एवरीवन वेलकम टू डिजी क्लासरूम कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे दो लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट के तो एक, -एक करके सारी बातें मैंने बताई हैं बिल्कुल छोटी से छोटी बात वहाँ पर मैंने कंप्लीट करी है ठीक है सर्कुलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन वो सारी बातें समझा दी हैं बट हाँ उन दोनों लेक्चर्स के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बेसिक लेवल है बेसिक लेवल मतलब वेरिएबल्स दो नहीं है वेरिएबल्स दो मतलब अगर मैं बोलूँ सर्कल के अंदर पर्सन है आर्ट तो बिठाओ भाई अब अगर मैं बोल दूं आठ लोग तो हैं ही और आठ ये सब्जेक्ट्स हैं तो ये भी बताओ वो कौन सा पर्सन कौन सा सब्जेक्ट लाइक like करता है और वो कहाँ बैठा है तो यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो गई तो वैसा लेवल अभी हमने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि मेरा जो चैप्टर थर्ड है वो जो पज़ल वो स्टार्ट होने वाला है इसके बाद आपको वही मिलेगा तो आज भी सिटिंग अरेंजमेंट के लेक्चर थ्री में क्या है एक तरीके से आपका टेस्ट है जो लोग मेरे वो दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उनके लिए और वो टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा जो वो लोग वो जो पढ़ चुके हैं जो मेरे दो लेक्चर्स हैं वीडियो पॉज करेंगे खुद से करेंगे आंसर मैच करेंगे आप खुद का ही टेस्ट लें उसमें कि जो मैंने पढ़ा तो क्या मेरे को कोई फ़ायदा हुआ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा उन वीडियोज़ को देखें फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी और बताऊंगी कि फिर किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं इन क्वेश्चन के अंदर क्योंकि जो पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है और टफ़ भी लगता है बट नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा मत बोलें अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के लिए आप ऐसी बात सोचें भी मत कि आपसे नहीं होगा आपको करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने को रेडी हूँ लेक्चर्स देखिए इस थर्ड लेक्चर को अपना टेस्ट समझ के करिएगा क्वेश्चन आए खुद करो चेक करो ठीक है मुझे टाइम लग सकता है क्योंकि मैं समझा रही हूँ ठीक है बट आपको मेरे जितना टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं कर पाते हो फिर से ट्राई करो फिर भी नहीं कर पाते हो तो कमेंट करो मैं प्रॉब्लम को समझूंगी कि कहाँ इनको दिक्कत हो रही है फिर अप्रोच कुछ और अप्रोच बता दूंगी कि इस तरीके से ट्राई करो तो प्लीज़ मैं अपनी तरफ से आपको पूरा हंड्रेड परसेंट देने को रेडी हूँ अपना भी हंड्रेड परसेंट दो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट उनके लिए जो मेरे दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि मैम आज आपने इतने क्वेश्चन दिए थे मैंने खुद से करें और उन क्वेश्चन में मेरे इतने ही सही हैं या मेरे एक गलत हो गया एक सही जो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो लोग पढ़ चुके हैं दो लेक्चर्स प्लीज़ वीडियो पॉज करेंगे और ये लेक्चर ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है आईबीपीएस क्लर्क के प्रलियम्स में तो ठीक है ओके एट पर्सन आर सिटिंग इन टू पैनल रोज कंटेनिंग फोर पीपल ईच तो बना लेते हैं फटाफट जो ये कह रहा है बोल रहा है कि आठ लोग हैं और दो रो हैं यहाँ पर और हर रो में फोर पर्सन है पैरल हैं ठीक है फिर बोलता है इन रो वन ए बी सी डी अब यहाँ पर पढ़ते ही रो वन मत कर दीजिएगा जिन्होंने मेरे दो लेक्चर देखे हैं ना उनको पता होगा मैं क्यों कह रही हूँ क्यों कह रही हूँ क्योंकि जो भी वन रो होगी वो हमेशा साउथ को फेस करनी चाहिए मतलब इसको आप वन बोल दें बट साउथ को ही फेस करनी चाहिए तो लाइन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं पहले एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ तो अब ठीक है ये रो वन और वो साउथ को फेस करती है मतलब ये वाली रो ना नॉर्थ को नहीं फेस कर सकती क्यों नहीं फेस कर सकती अभी बताती हूं रो टू हो गई ये वाली और वो हमारी जो है पी क्यू आर एस उसमें लोग हैं और ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ अब देखो भाई क्यों नहीं हो सकती अगली लाइन से क्लियर हो जाएगा बोलता है दे आर फोर इन द गिवन सिटेड सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ दी अदर रो बट अगर ऐसा होता है इसको आप इधर कर दे नॉर्थ और इधर साउथ एक दूसरे को फेस थोड़ी कर पाएंगे तो पैरल रोज में वो हमेशा एक दूसरे को फेस ही कर रहे होते हैं बट वो जान करके आपको कन्फ्यूज करने के लिए रो वन रो टू चेंज कर देगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कभी कभी ये रो वन भी हो जाती है बट डिपेंड करता है कि वो फेस कहाँ करते हैं ठीक है तो रो वन ये हो गई हमारी और रो टू ये हो गई और रो वन के जो पर्सन है वो हैं ए बी सी डी और रोड टू के जो पर्सन है वो हैं पी क्यू आर एस ओके okay, स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट लाइन से बोलता है आर सिट सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिज ए क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से रीड करना है मतलब बहुत ही ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन में नहीं गलती होनी चाहिए अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है समझना थोड़ा सा अलग से बनाते हैं पहले बोलता है आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अब आर भाई इस रो का है तो ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो सेकेंड लेफ्ट इधर इसीलिए बना रही हूं ये वो पर्सन जिससे आर का सेकेंड लेफ्ट हो गया बट हु किसके लिए वो पर्सन पर्सन कौन सा है यहाँ पर जो सेकेंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन है वो किसको फेस करना चाहिए ए को फेस करना चाहिए ये एक तरीके से बन रहा है और अगर मैं ये अपनी अरेंजमेंट में बनाना चाहूँ तो मेरे दो केस हो सकते हैं क्या यहां ए रखू ठीक है और वो सेकेंड लेफ्ट ये वाला पर्सन का हो जाएगा और वो किसको फेस कर देगा भाई ए को कर देगा एक और दूसरा केस मेरा क्या बन सकता है कि मैं यहां पर कर दूं आर को इसको बना लूं उस ये वाला पर्सन वो सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा और वो पर्सन किसको फेस करता है ए को क्लियर हो रही है बात ये वाले दो केस मेरे बन गए लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है अगली लाइन पढ़ते हैं एस इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ आर एस किसका नेबर है भाई आर का नेबर है ठीक है अब अगर मैं ये वाला केस लूं तो आर के दो नेबर हैं भाई एस यहां भी आ सकता है श्योर नहीं है सर्कल लगाते हैं श्योर नहीं है तो इधर भी आ सकता है हमें नहीं पता बट इस वाले केस में अगर देखूं तो कंफर्म एस इधर ही आएगा अगली लाइन पढ़ते हैं ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड डी ए और डी के बीच में एक पर्सन है अगर मैं ये वाला केस देखूं तो इधर तो जगह नहीं है तो एक पर्सन छोड़ के डी इधर कर देंगे और अगर इधर देखें तो सेम यहाँ पर भी जगह नहीं है क्योंकि एक पर्सन छोड़ना है फिर डी रखना है तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट इसके मतलब ए के राइट साइड में अगर हम देखें ठीक है क्योंकि वो साउथ को फेस कर करना है कंफ्यूज नहीं होना वो नॉर्थ को नहीं है तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पर कौन आ गया भाई डी आ गया अगली लाइन पढ़ेंगे बोलता है वन ऑफ द इमीजिएट नेबर वन ऑफ द इमीजिएट का कोई भी एक नेबर फेसेस सी का कोई भी एक नेबर फेस करना चाहिए क्यू को अब सी फर्स्ट का देना अगर मैं यहां सी रखना चाहूं समझना अगर मैं यहां सी रखना चाहूँ तो इसका एक ही नेबर है वो क्यू को फेस करना चाहिए नहीं कर पा रहा इसीलिए यहां सी गलत हो गया हटा दो अगर मैं यहाँ सी रखूँ तो इसके दो नेबर्स वन ऑफ द नेबर कोई एक नेबर Q को फेस करना चाहिए तो ये तो कन्फर्म है R, तो यहाँ किसको लगा देंगे Q को लगा देंगे ठीक है अब इधर देखो यहाँ अगर सी रखूँ रखना चाहूँ मैं दो नेबर्स बट इसके आगे R कन्फर्म है इसको छेड़ नहीं सकते हैं ए के सामने Q और हो सकता है क्लियर हुआ अगर वहाँ C तो यहाँ Q हो सकता है बट एक और केस है कि अगर मैं यहां सी रखना चाहूं फिर से उसका एक ही नेबर है एक नेबर क्यू अब देखो इस वाले केस से क्यू बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है कि इधर ही आएगा बट सी नहीं पता सी नहीं पता तो वेट करेंगे अगली कोई लाइन का ठीक है बट क्यू को हम कन्फर्म कर देंगे अब जैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर क्यू कन्फर्म होता है चार ही लोग हैं ना तो पी कन्फर्म हो गया ठीक है अभी इसमें इसमें नहीं पता क्योंकि एस का नहीं पता तो अगली लाइन पढ़ते हैं एक बार बोलता है बी डज नॉट सिट बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन चलो भाई पहला केस हो गया पूरा गलत क्योंकि जगह एक ही थी वहाँ बी आएगा और इसने मना कर दिया बी किसी एंड पर नहीं होना चाहिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सी ही कन्फर्म नहीं हो पा रहा था अब बी एंड पर नहीं आएगा तो यहाँ से इस सी को हटाएंगे यहाँ से इस सी को कन्फर्म करेंगे और इधर किसको बिठा देंगे बी को तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है क्लियर हुआ भाई ओके जो भी लोग कर रहे थे कमेंट जरूर करें कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया है ठीक है जितने भी क्वेश्चन आज हो रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके खुद से करने पर ठीक हुए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इन नोएडा देर इज अ रेजिडेंशियल सोसाइटी नेम्ड ए बी सी विच हैज्वेल्व ब्लॉक्स एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई ओके दीज ब्लॉक्स फ्रॉम फॉर्म टू रोज ओके ब्लॉक ब्लॉक्स ऑन रो वन आर फेसिंग वेस्ट एंड ब्लॉक्स ऑन रो टू आर फेसिंग ईस्ट चलो भाई अब डायरेक्शंस आपको पता है ठीक है ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है भाई ईस्ट होता है और ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है वेस्ट तो, तो इस तरीके से बना लेते हैं छः छः उसने बोला है यहां पर एक और मैं आपको बात बता दूँ इसको ना नॉर्थ साउथ करके भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट कुछ लोग ना कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने अभी फटाफट वो कर दिया तो जैसा दिया मैं वैसा ही अभी बना के बता रही हूं नेक्स्ट सेशंस में अगर कोई ऐसा लेक्चर आया तो फिर मैं नॉर्थ और साउथ आपको लेके बताती हूँ बट अभी जैसा दिया हम वैसा ही करते हैं ठीक है हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आप लोगों को तो रो वन के बारे में बोला था वो ऐ, एक सेकेंड रो वन के बारे में बोला था वो वेस्ट को फेस करती है तो ये हमारी रो वन है ठीक है ये वेस्ट को फेस करती है और ये हमारी रो टू है जो कि साउथ को सॉरी ईस्ट को फेस करती है रो टू आर फेसिंग ईस्ट एंड रो वन आर फेसिंग वेस्ट अब ये भी देख लेते हैं कौन सी रो का कौन सा पर्सन है तो ब्लॉक पी क्यू आर एस टी सॉरी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस टी एंड यू आर इन रो वन तो यहाँ पे आएंगे P Q R S T एंड U पर्सन को चेंज नहीं कर दे कर सकते हैं। ये लिखना जरूर कुछ लोग ना पूरा क्वेश्चन उनका सॉल्व हो जाता है और वो क्या करते हैं पर्सन जो पर्सन है जो भी यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं हैं वो चेंज कर देंगे रो वन वाले रो टू में बिठा देंगे रो टू वाले रो वन में और पूरा वहीं पर गलत हो जाता है ठीक है तो बहुत ही ध्यान से रो और टू में ये वाले ब्लॉक्स आएंगे ठीक है भाई चलो मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं ईच रो वन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अदर रो इन रो टू यस हमने ऐसा ही किया है ब्लॉक वी विच इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो अब देखो वी कौन सी रो का है टू रो का है अब वो कह रहा है किसी एक एंड पे होगा तो या तो वो ये एंड होगा राइट या वो ये एंड होगा इस तरीके से दो केस ले रही हूँ ऐसे पास में बना रही हूं अगर तो हमारा फर्स्ट केस है और दूसरा केस थोड़ा दूर बना रही हूँ ठीक है साथ साथ चला लेते हैं क्या पता अगली लाइन से ही गलत हो जाए ओके अगली लाइन में बोलता है ओके कॉमा लगा है सिर्फ कॉमा लगा है हु कुछ भी नहीं लिखा है तो मैंने क्या बोला था कॉमा किस पर्सन के लिए होता है अगर सिर्फ कॉमा लगा हो तो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है तो यहां पर अभी ब्लॉक वी की ही बात हो रही है ब्लॉक वी जो है इस सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ ब्लॉक वाई लो भाई गलत हो गया ये वाला क्यों गलत हो गया अब इसको वाई का सेकेंड लेफ्ट होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा ना ऐसे सेकंड लेफ्ट तो हो पाएगा ये ये राइट है ये वाली साइड लेफ्ट है बट भाई इधर तो पर्सन पर्सनस ही नहीं बैठ सकते ठीक है तो हमारा जो वी है वो हमें कंफर्म हो गया वो रो टू के बैठेगा एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे जो कि यहाँ बैठा है और वो किसका सेकंड लेफ्ट है वाई का सेकंड लेफ्ट है चलो भाई आगे बढ़ेंगे देर आर टू ब्लॉक्स बिटवीन एन एंड ओ अब भाई एन और ओ जो है ना हमारी सेकेंड रो के हैं अब इसको ना शॉर्टकट बनाने से पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए दो रो करने के लिए देखो एन और ओ में से मान लो कोई मैं यहाँ बिठा दूँ और दो लोग छोड़ के यहाँ हो नहीं पाएगा गलत एन और ओ में से कोई एक भी यहाँ नहीं आ सकता दूसरा केस हो सकता है मैं यहाँ एन और ओ बिठा दूँ दो लोग छोड़ के यहाँ एन और ओ में से कोई बिठा दूँ अभी ये नहीं पता कहाँ एन कहाँ ओ बट ऐसा केस हो सकता है एक जगह बच्ची कि मैं इधर एन और ओ बिठा दूँ और दो लोग छोड़ के फिरिया जगह नहीं बची लो भाई शॉर्टकट बनाना ही नहीं पड़ा इसलिए मैं बोलती हूँ हर चीज शॉर्टकट नहीं बनानी होती है पहले चेक कर लिया करो क्या पता सॉल्व ही हो जाए ठीक है अगली लाइन पढ़ेंगे बोलता है देर इज ओनली देर इज ओनली वन ब्लॉक बिटवीन एस एंड टी अब देखो इसको बनाना पड़ेगा इस रो के अंदर कोई भी नहीं बैठा है अभी कुछ नहीं पता एस ओ टी आएंगे तो बस इस तरीके से लिख दो देर इज वन पर्सन बिटवीन एस एंड कुछ भी शॉर्टकट जैसे भी आपको सही लगे सॉरी मैं बार बार पर्सन बोल रही हूं क्योंकि वो आदत होगी है समझ जाइएगा ठीक है ब्लॉक या पर्सन एक ही बात है हमें तो बस बिठाना ही है ओके ब्लॉक यू इज थर्ड टू दी राइट ऑफ क्यू ठीक है भाई इसको अगर मैं बनाना चाहूं यू थर्ड राइट क्यू का यू थर्ड राइट right ना थर्ड राइट right. एक दो तीन यू एक दो तीन तीन गेस बनते हैं ठीक है तो तीन केस हैं चलो बना तो लिया अगली लाइन पढ़ते हैं अगली लाइन बोलता है ब्लॉक u इज नॉट ऑपोजिट ऑफ v और y लो भाई क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व मतलब इस लाइन से ये हमारे सॉल्व हो गए u और q काएंगे इसने बोला u ना तो भाई v का ऑपोजिट होगा लो भाई गलत ना तो फिर किसका ऑपोजिट होगा y का अगर यहां u नहीं तो इधर q नहीं तो लो कंफर्म हो गया इसको हटाते हैं जो हमारे डाउट डाउटफुल था वो हमारी चीज क्लियर हुई यहां पर इसको रख देते हैं यू को और यहां रख देते हैं क्यू को अगली लाइन पढ़ेंगे अगली लाइन में बोलता है ब्लॉक एस एन टी आर नॉट ऑपोजिट ऑफ वी बोलता है एस ओ टी दोनों इधर नहीं आएंगे अब ट्राई करते हैं एक बार अगर ये लाइन दिए तो क्या पता हमारा जो शॉर्टकट था वो अब सॉल्व हो जाए एस ओ टी के बीच में एक पर्सन तो एस ओ टी अगर मैं इधर या एस ओ टी एक पर्सन छोड़ के नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी क्यू है वहां पर तो या फिर अगर मैं ऐसा करूं एस ओ टी में से कोई एक और एक पर्सन छोड़ के यस तो ये एक चीज है जो हो सकती है बट कहाँ एस कहाँ हो अभी कन्फर्म नहीं बट ये क्लियर है कि एक पर्सन इधर ही एस इधर ही एक पर्सन आएगा और वो एक पर्सन बीच में क्यों होना चाहिए हो रहा है यहां पर अगली लाइन पढ़ेंगे ब्लॉक ब्लॉक पी पी एडजेसेंट के पास S होना चाहिए या एस के पास भी होना चाहिए दोनों के जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ होने चाहिए अगर मैं इधर एस कर दूं तो इधर तो जगह ही नहीं है पी को इसका एडजेसेंट करने की तो यहां पर ये यह कंफर्म हो जाता है कि इधर आएगा T इधर आएगा S ताकि इस ब्लॉक का एडजेसेंट में मैं कौन सा ब्लॉक कर दू P कर दू अब देखो अगर मैं देखूं तो पांच बैठ ही चुके हैं एक ही बचा है कौन सा पी क्यू आर बचा है ठीक है भाई यहां बिठा दू और अगर मैं इधर देखूं तो दो बचे हैं तो यहां पढ़ना पड़ेगा ब्लॉक W विच इज नॉट ऑपोजिट ऑफ T T का ऑपोजिट W नहीं है तो जगह एक ही है W पर्सन एक बचा जो कि है एनओ वी डब्ल्यू एक्स बचा तो यहां आएगा X अब एक और लाइन है सिर्फ कॉमा लगा है सिर्फ कॉमा लगा होता है तो वो होता है फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन मतलब W और W इज नॉट एडजेसेंट ऑफ N ठीक है भाई W एडजेसेंट यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना आसपास मतलब नेबर्स आस मतलब ही एक तरीके से आप ले लो ठीक है ब्लॉक से तो इस तरीके से लिखा है पर्सन होते हैं तो नेबर लिखा होता कंफ्यूज मत होना यहाँ पर वो बोलता है W N का नेबर नहीं है तो ठीक है यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिर आ, आ जाएगा और यहां पर हमारा आ जाएगा एन ठीक लो भाई क्वेश्चन सॉल्व जो लोग कर रहे हैं वो जरूर बताएं कि ये वाला भी मैम हमने खुद से किया था और हो गया था और ये आया था भाई आई बी के प्रलियम्स में टेस्ट हो रहा है आपका आपको समझ आएगी आप सेटिंग अरेंजमेंट में कहां पर पहुंच चुके हो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो अभी तो प्री के क्वेश्चन ही कर रहे हैं मेंस का लेवल फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्लीज पहले प्री का लेवल अच्छे से कर लो टेंशन मतलब मेंस का लेवल भी आपको बहुत अच्छे से आएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यस अब यहां पर ये है आपका होमवर्क ठीक है अब से मैं देने वाली होमवर्क। हूं हूं होमवर्क हूं है ये आप लोगों का करो अगर हो जाए तो कमेंट में बोल देना कि होमवर्क जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो चुका है ना हो तो भी कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हमेशा जो भी पिछली वीडियो में जो भी आपको होमवर्क दिया करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आते ही पहले वो डिस्कस होगा ठीक है तो आज से मैं ये भी स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जितने भी लोग आप करते हो होमवर्क तो आप वीडियो में डन लिख दें डन से मैं समझ जाऊंगी कि होमवर्क उनका हो गया है Not done में समझ जाऊंगी कि आपको वो होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैम एक्सप्लेन करें तो नॉट डन आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले वही डिस्कस हुआ मिलेगा तो कॉमेंट जरूर करें कि हुआ है या नहीं हुआ है क्वेश्चन ठीक है ये होमवर्क है पिक ले लो जो भी है इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी हमारा आईबीपीएस पीओ के प्रिलियम्स में आया है तो बोलता है एट पर्सन ई एफ जी एच एल एम एन ओ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एट पर्सन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एंड दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ क्वेश्चन में गिवेन है चलो फर्स्ट लाइन बोलता है एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन एंड एल इज ओ तो देखो अब यहाँ पे एन आर है एल नहीं है यहाँ पे एक एक तरीके से ये अगली लाइन है ठीक है लाइन्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो यहीं तक हमें ये सॉल्व करना है बोलता है एच जो है वो सेकेंड राइट right है किसका एन का अब इधर नहीं बनाओ ठीक है पता है ना आपको लाइन वाले क्वेश्चन में अब इस तरीके से दिया तो या तो शॉर्टकट बना लो और कभी कभी वो शॉर्टकट में सॉल्व हो जाता है तो देखते हैं जैसे भी होगा एच इज सेकेंड राइट ऑफ एन नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो इस तरीके से ये सेकेंड राइट right हो क्या फिर एल इज फोर्थ टू दाइट ऑफ एच ये रहा एच वन टू थ्री फोर्थ राइट ऑफ एच पे कौन है हमारा एल है फिर बोलते हैं एम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ एम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ एक सेकेंड मुझे यहां पर क्वेश्चन को एक बार चेक करने दो सिटिंग टू द राइट है या सेकेंड टू द राइट है वेट तो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पर सही करेंगे ये सिटिंग नहीं है ये सेकेंड है ठीक है भाई सेकेंड टू द राइट है तो M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F तो इसको साइड में बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां एम नहीं था यहाँ एफ नहीं था क्वेश्चन को सही करिएगा ये सेकेंड है सेकेंड सेकेंड ठीक है सिटिंग नहीं है अगली लाइन पढ़ेंगे नंबर ऑफ द पर्सन कैन सिट बिटवीन जी एंड एल इज सेम एज द पर्सन ऑफ बिटवीन ओ एंड एफ मतलब क्वेश्चन के अंदर जितने जी और एल के बीच में पर्सन होंगे उतने ही किन के बीच में है ओ ऑर एफ के बीच में ठीक है भाई देखते हैं अभी इसको भी भीट लेफ्ट ऑफ जी ओ इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी ठीक है जी के लिए लिखा है क्योंकि हु लिखा है हु इज नॉट द नेबर ऑफ एल मतलब जी किसका नेबर नहीं होना चाहिए एल का नेबर नहीं होना चाहिए जी किसका नेबर नहीं होना चाहिए एल का नेबर नहीं होना चाहिए फिर बोलता है एफ इज नॉट नेबर ऑफ एन और एफ भी किसका नेबर नहीं होना चाहिए एन का नेबर नहीं होना चाहिए चलो बार बना ट्राई करते हैं अगर देखो पहले इधर ही ट्राई करते हैं जो ये बना रखा है अब अगर मैं देखूं इसने बोला जी जो है ना वो एल का नेबर नहीं है अब देखो पर्सन कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब वो आठवां पर्सन इधर भी हो सकता है वो आठवां पर्सन इधर भी हो सकता है अब अगर मैं इधर जी बिठाऊं तो वो एल का नेबर नहीं है ठीक है और वैसे भी जी के इमीडिएट लेफ्ट ओ है तो यहां तो हो नहीं सकता अब यहां जी बिठाऊं तब वो गलत हो जाएगा क्योंकि जी इज नॉट द नेबर ऑफ एल उस प्रश्न में दिया था तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां जी बिठा दूं और इसका इमीजिएट लेफ्ट कौन कर दूं ओ ठीक है तो ये लाइन हमारी सही हो गई और वो एल का नेबर भी नहीं आया ये हमारी लाइन ठीक होगी अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा हम सही कर रहे हैं या नहीं जी और एल के बीच में जितने लोग और अब जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उस हिसाब से जी और एल के बीच कितने पर्सनस आए एक तो ओ और एफ के बीच में भी कितने आने चाहिए भाई एक आने चाहिए तो ये ओ एक पर्सन छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है या एक पर्सन छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है बट एक लाइन है एफ से रिलेटेड कि एम एफ का सेकेंड राइट है तो अगर मैं इधर एफ बिठा देती हूँ तो उसके सेकेंड राइट में एम की जगह नहीं तो एफ यहाँ नहीं कन्फर्म हो गया एफ यहाँ आएगा और इसके सेकेंड राइट पे कौन आ जाएगा एम तो एक पर्सन हमारा यहाँ पर बच गया है वो है ई तो लो भाई क्वेश्चन सॉल्व क्लियर हुआ अब यही यहाँ पर फर्स्ट लाइन से आप इधर लेने लग जाते हो पांच छह केस बना बनाते पता कितना टाइम वेस्ट हो जाता तो इसलिए मैंने लाइन वाले क्वेश्चन में आपको बताया है शॉर्टकट से भी आप शॉर्टकट में करोगे तो कभी कभी वही भी हो जाता है तो ये एरो लगा के और यहाँ पोजिशन बना के कि ओ इधर हो सकता है या इधर हो सकता है इधर हो सकता है अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने बोला छोटी छोड़ छोटी बातें हैं लेक्चर वन और लेक्चर टू ज़रूर आप देख लें अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है ठीक है और ये होमवर्क है भूल मत जाइएगा ये है हमारा होमवर्क आज से मैंने स्टार्ट किया है भाई मैं होमवर्क दूंगी मैंने कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस में भी दिया था बट कुछ लोग कर नहीं रहे थे बट देखते हैं इस बार कैसा रहता है बट मैं होमवर्क अब से आपको दिया ही करूंगी ये होमवर्क और आप डन और नॉट डन लिखेंगे डन मतलब मैं समझ जाऊंगी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है नॉट डन से मैं समझ जाऊंगी कमेंट में कि क्वेश्चन नहीं हुआ है अगर कोई नॉट डन वाला मिला तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बट एक्सप्लेनेशन तभी मिलेगी अगर मुझे कोई कॉमेंट नॉट डन बोलता है ठीक है फिर ये था हमारा आज का लेक्चर थ्री चैप्टर हमारे सेकेंड का आ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में प्रैक्टिस करते रहिए मैंने पहले भी बोला है सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना नहीं आएगा ठीक है करते रहिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें आपको लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं वो आपको सुबह सुबह मिल जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाती है और आपको कुछ भी इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी अगर सजेशन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हो हमें कॉमेंट करके तो थैंक यू सो मच